सोनिया गांधी के लिए कांग्रेसियों का कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के विरोध में मुरादाबाद के कांग्रेसियों ने आज एक प्रदर्शन किया और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कैंडल मार्च निकालते हुए एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है। दरअसल सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उबाल है, जिसे लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मुरादाबाद के कांग्रेसी शाम को सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में जमा हो गए और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बदले की नीयत से की जा रही कार्यवाही के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कांग्रेसी अपने हाथों में झंडे लिए हुए थे। कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए एक कैंडल मार्च भी निकाला और पार्क में लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने कैंडल जलाई। मुरादाबाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद ने इस तरह की कार्यवाही को इंसानियत के खिलाफ कहा है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी बीमार हैं, उसके बाद भी उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने ये धरना और प्रदर्शन अम्बेडकर पार्क में किया और इस स्थिति को, ये हालात हो गए हैं देश के कि माननीय सोनिया गांधी जी के साथ जो कुछ अभद्र व्यवहार हो रहा है वो बीमार हैं और ऐसी परिस्थितियों में ईडी उनको हर चौथे दिन, हर पांचवें दिन बुला रही है। 2012 की ये घटना है और 2012 से आज तक इनकी जांच पूरी नहीं हुई है। ये हमेशा धौंस और दबाव में काम करना चाहते हैं। ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार हो गई है और ये सरकार ये सोचती नहीं कि महिलाओं का क्या सम्मान होना चाहिए, क्योंकि महिलाएँ इनकी हैं ही नहीं। जिसकी महिलाओं उनको सम्मान की आवश्यकता होती है, इनको इनकी महिलाएं नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में धरना और प्रदर्शन हुआ है और इसकी मांग की गई है कि ये ईडी का खेल अब बंद किया जाए। नहीं, शहीदों के लिए नहीं दिया जाता। बिना शहीदों के हमारा विरोध प्रकट करने के लिए कैंडल मार्च किया है, विरोध है हमारा। और हमने अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनके चरणों में ये कैंडल जलाई है और ये जला करके ये मांग की है कि आप पुनः ऊपर से हमें दिशा निर्देश प्राप्त करें कि जैसे आपने संविधान बनाया था उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके लिए हमने उनके चरणों में ये कैंडल लगा दी है। नहीं, नेशनल हेराल्ड है ही नहीं कुछ। हमारी संपत्ति हमने बेच ली, हमारी संपत्ति हमने उसका सारा हिसाब दिया, लेखा जोखा दिया। यह 2012 की बात है और राहुल जी तो मेरे ख्याल से पैदाइश से पहले की बात है। नेशनल हेराल्ड 55 घंटे 5 दिन राहुल जी को तंग किया गया है और उसके बाद फ्री कर दिया गया। अब सोनिया जी पे है। सोनिया जी की ये स्थिति है कि सोनिया जी बीमार हैं और उनको हर 1.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ दवाई दी जाती है। उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको बुला लेते हैं, 2-2 घंटे रखते हैं और फिर 26 तारीख को बुला लिया दोबारा। तो ऐसी परिस्थितियों में देश पता नहीं किस ओर जा रहा है कि जो मेरे खिलाफ़ बोलेगा मैं उसके खिलाफ़ उसे दंगाई साबित करूँगा, बेईमान साबित करूँगा।